बनियाडी सीसीएल कोलियरी क्षेत्र में बुधवार को एक बार फिर से भूधसान की घटना हुई है। यह घटना बनियाडी कब्बीपाद बरवाडी मुख्य मार्ग के कब्बीपाद के पास घटी है। यहां सड़क लगभग 15 फीट तक जमीन धंस गई है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत है। घटना के पीछे कोयले के अवैध खनन को कारण बताया जा रहा है। बताया जाता है कि बुधवार की सुबह अचानक जमीन धंसने लगी और देखते ही देखते जमीन लगभग 15 फीट तक धंस गई। जमीन धंसने की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। घटना के बाद इस मार्ग से फिलहाल के लिए परिचालन बंद कर दिया गया है। बता दें कि भूधसान की जानकारी सबसे पहले परियोजना पदाधिकारी एस के सिंह को मिली। सूचना मिलते ही प्रबंधन की टीम एक्टिव हो गई और हादसे वाली जगह को ब्लॉक करते हुए आगे की कार्यवाही में जुट गई। हालांकि इस घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। यहां आपको बता दें कि बनियाडी कब्बीपाद मुख्य मार्ग से कुछ ही दूरी पर लोग लंबे समय से अवैध कोयला खनन का कार्य करते आ रहे हैं। स्थानीय सीसीएल प्रबंधन व पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार डोजिंग करने व FIR करने के बाद भी खनता संचालक अवैध खनन का कार्य करने से बाज नहीं आते हैं। इन्हीं सब वजह से यह भूधसान हुई है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। ये सुबह 6:30 बजे के आसपास 6:45 होगा। अच्छा, क्या हुआ सर? यहाँ पे सब्सिडेंस कर गया है। पहले हुआ था, फिर फिलिंग हुआ था, उसके बाद फिर सभी सब्सिडेंस कर गया सुबह। अच्छा, तो रूट डाइवर्जन कर दिया गया क्या? जी, रूट डाइवर्जन कर दिया गया क्या? रूट डाइवर्सन नहीं हुआ है अभी तो, फिलहाल हुआ था, फिर इसको फिलिंग करके फिर चालू किया गया था 2 दिन पहले। ये कौन सा रोड कहलाता है? ये चिलगा ट्रांसपोर्ट रोड बोलते हैं हम लोग। ट्रांसपोर्ट जाता है जो हाईवे चलता है, कोयला लाता है साइडिंग को। कितना फीट नीचे जमीन धंसा है यहाँ? ये लगभग होगा कितना होगा, 15 फीट के आसपास होगा। अच्छा जी, 15 फीट के। क्या कारण मानते हैं? इलीगल माइंस, कोयला का अवैध खनन के कारण हुआ ये धसान? हाँ, वही हम लोग गेस कर सकते हैं, नहीं तो लोकल जियोलॉजी भी हो सकता है। कहाँ के यहाँ का स्ट्राटा थोड़ा ये है और थोड़ा अवैध खनन भी चला होगा कि पहले अंडरग्राउंड हुआ होगा, इसीलिए हो सकता है। नहीं, इलीगल माइंस के कारण ये? हाँ, ये सबसे ज्यादा चांस है कि इलीगल माइंस से ही हुआ है। अच्छा, तो अभी क्या करवा रहे हैं आप लोग सेफ्टी? अभी सेफ्टी के लिए हम लोग ये रोड को ब्लॉक कर रहे हैं कि यहाँ जाना आना बंद हो जाएगा। दोनों साइड से रोड ब्लॉक करके रेड फ्लैग लगा देंगे तो यहाँ आना जाना बंद हो जाएगा। कुछ दिन पहले जब यहाँ पे भूधसान हुआ था जी, तो अभी रोड को फिर शुरू कर दिया गया था? हाँ, फिल करके फिर शुरू किया था। अच्छा, तो फिर अभी बारिश हुआ, फिर अभी बैठ गया है।